Now, how the dog found himself a master? इसमें मैं आप लोगों को इसकी हिंदी समरी बताऊंगी, ओके? बहुत समय पहले की बात है, कुत्ता भी अन्य जीवों की भांति जंगली एवं स्वतंत्र थे। वे स्वतंत्र होकर विचरण करते थे, लेकिन वो किसी के पालतू नहीं थे। लेकिन उन्हें बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती थी, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता। और कुत्ता जो था वो बहुत दुखी हो गया, तंग हो गया, और वह भोजन की तलाश में घूमने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि इस जंगल में जो सबसे शक्तिशाली है, मैं उसका दास बन जाता हूँ। और दास बनने से फ़ायदा होगा क्या कि मुझे खाना भी मिलेगा और अन्य जंगली जानवर से सुरक्षा भी मिलेगा। इसी तलाश में वह घूम रहा था, खोज कर रहा था, तभी उसकी भेंट एक विशालकाय भेड़िए से हुई। भेड़िया के पास वह गया, बोला, क्या तुम मुझे अपना बनाओगे? मैं तुम्हारी भक्ति करूँगा, मैं तुम्हारा नौकर बनूँगा, मैं तुम्हारा दास बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा मालिक बनोगे? भेड़िया सोचा, चलो अच्छा है, ये अच्छा मौका है। दोनों खुश थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने रिच देखा, और रिच को देखकर भेड़िया जल्दी से छुपने लगा। वह तलाश करने लगा झाड़ियों में कहाँ छुपे। कुत्ता को लगा कि अरे, मैं तो इसे ताकतवर समझता था, लगता है ये ताकतवर नहीं है, इससे ज़्यादा ताकतवर कौन है? रिच है। और उसने भेड़िया का साथ छोड़ दिया और रिच के साथ रहने लगा। रिच के साथ वह खुशी खुशी रहने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, उधर से शेर जंगल में घूमने निकला, और जैसे ही रिच ने शेर को देखा, बोला चलो चलो जल्दी से हम लोग छुप जाते हैं, नहीं तो ये जो जंगल का शेर हमें मार डालेगा और खा जाएगा। तब कुत्ते को एहसास हुआ, अरे ये रिच भी तक शक्तिशाली नहीं है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? लायन है, शेर है। उसने सोचा, क्यों नहीं मैं शेर के पास चला जाऊँ। और फिर वह शेर की स्वामी भक्ति करने लगा। शेर के साथ हम सभी जानते हैं, शेर जंगल का राजा है, और कुत्ते को अब खाने की कोई दिक्कत नहीं होने लगी। शेर शिकार मारता और बचे हुए खाने को कुत्ता खा जाता, मोटा ताजा हो गया और खुश होकर घूमने लगा। दोनों बहुत दिनों तक साथ रहे। फिर जंगल में कौन आया? मनुष्य आया। और जब मनुष्य जंगल में आया तो शेर डर गया। वह कहता है कि मनुष्यों को बहुत दिमाग है, वो हम जानवरों को अपने कैप्चर में कर लेगा, चलो हम लोग भागो, कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। तब कुत्ते को लगा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य है, और उसी समय से उसने मनुष्य की दासता स्वीकार कर ली, और कुत्ता हमारा स्वामी भक्त बन गया, कुत्ता हमारा विश्वास पात्र बन गया। बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती कि हम मनुष्य सबसे शक्तिशाली है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और निरंतर उपयोग करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू।